नमस्कार, स्वागत है आपका चलिए रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और आज लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर। जी हां, एक्टर करणवीर बोरा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल टीवी एक्टर करणवीर बोरा पर एक केस दर्ज हुआ है। जी हां, एक महिला ने लगाया है करणवीर बोरा पर ठगी का केस। जी हां, इस महिला का कहना है कि करणवीर बोरा ने उनसे करीब 2 करोड़ रुपए उधारी पर लिए थे और उसे 2.5% के इंटरेस्ट रेट पर चुकाने का वादा भी किया था, लेकिन अब तक इस पूरी रकम से सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही वापस हुए हैं। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर उधार लेने वाले करणवीर बोरा अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ 5 लोग और शामिल थे और इस महिला ने इन सभी 6 लोगों पर ओशिवारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा दिया है। वही एक्टर करणवीर बोरा हाल ही में रियालिटी शो लॉकअप में नजर आए थे, जहां पर उन्होंने अपनी कंडीशन और सिचुएशन के बारे में लाइव टीवी पर बताया था। जी हां, करणवीर ने बताया था कि वो कर्जे में डूबे हुए हैं और साथ साथ उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जो उन पर दर्ज हैं। जी हां, साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि 2015 से लेकर अब तक वो जितना भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए कर रहे हैं। वेल, फिलहाल अभी 2 करोड़ का कर्जा उनके सर पर है और साथ साथ एक केस भी उनके नाम पर दर्ज हो चुका है। वेल, इस शॉकिंग अपडेट को लेकर आप लोगों की क्या है राय, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।